तो मेरे भाई देखा जाए वोमेन मैच हो या फिर T10 हो, लगातार हम लोगों के लिए बेहतर जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि मलेशिया वोमेन वर्सेस बहरान वोमेन्स के बीच मुकाबला बेहतर जाए। GL क्या इस मुकाबले में आएगा, आने के पूरे संभावना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि बहरान की टीम है कमजोर और मलेशिया वोमेन्स की टीम है स्ट्रोंग। मलेशिया वोमेन्स अगर यदि पहले गेंदबाजी करेगा तो 80% नहीं बल्कि 95% हो जाएगा कि GL आने की संभावना। स्मॉल लीग मिनी GL वो भी बेहतर जाएगा, क्योंकि बहरान वन साइडेड हारेगी, मलेशिया वुमेन्स वन साइडेड विन करेगा। बात आती है कैप्टन वाज के लिए, तीन ऑप्शन बढ़िया है मलेशिया वुमेन में, एम इस्माइल, ए हमीजा, डब्लू दूरा सिंघे। फिर भी रिस्की GL के लिए, अदर गेंदबाज के ऊपर भी बात करेंगे, तो कौन होना चाहिए सारा कुछ देखेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर यदि आप इन सभी डोमेस्टिक मुकाबले को खेलना चाहते हो, जैसे कि मैक्स T20 हो गया, इन्हें भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, सिंपल है मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। लगातार GL मिस हो रहा है, उम्मीद करेंगे GL का रैंक बेहतर जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं तो उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट, टॉप कमेंट जो था वहां पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पर चले आओगे, बिल्कुल फ्री का फायदा उठा सकती हो। तो मेरे भाई बात करेंगे कि मलेशिया वोमेन तो स्ट्रोंग है, तो कितने गेंदबाज इनका पिक करना चाहिए। देखो एक चीज यहाँ पर आपको समझना होगा, एक गेंदबाज एक बल्लेबाज यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने वाला है, सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे वो टॉस का रोल एक एक्स्ट्रा आपको पिक करवाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ज्यादा दिमाग लगा के फायदा है ही नहीं, 1 2 3 4, अब देखो इन दो में से किसी एक को फिक्स पिक करेंगे, हो सकता है पहले गेंदबाजी करें तो दोनों को पिक करेंगे, कोई दिक्कतें नहीं मेरे भाई। 1 2 3, ये तीन कैप्टन वाज का बेस्ट ऑप्शन है, वैसे सारे गेंदबाज कैप्टन वाज का बेस्ट रहेगा मलेशिया वुमेन्स का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कोई गुच्छे में विकेट ले जाए। मास इल्सा थोड़ा सा नीचे आ रही, अगर यदि इनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी मलेशिया वुमेन्स का तो 6 गेंदबाज पिक करेंगे, और मलेशिया वुमेन्स अगर यदि पहले बल्लेबाजी करेगा तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज पिक करेंगे, नहीं तो मास इल्सा को क्यों पिक करेंगे। यहां तक सही है मेरे भाई, बहरान वुमेन्स जो है थोड़ा सा कमजोर है, हम ही ने कहा, आपका कहना है कि आपने कहा कि बहरान वुमेन्स कमजोर है, फिर भी उनके कौन से प्लेयर को पिक करेंगे, एक ऑलराउंडर या फिर गेंदबाज। देखो पहली बहरान की बल्लेबाजी के तौर पे देखा जाए, दीपिका ने 11 जड़ा, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पे किसी को पिक नहीं करना, कोई कितनों बढ़िया बल्लेबाजी कर दे लेकिन मलेशिया के सामने बल्लेबाजी सही नहीं कर पाएगा। बस इनका कुछ ऊपरी क्रम का गेंदबाज पिक कर लेंगे, 1 2 जो भी होगा, 2 3 पहले गेंदबाजी करेगा तो 3 4 गेंदबाजी भी पिक करना होगा, क्योंकि मलेशिया वुमेन 20 ओवर खेलेगा मेरे भाई, तो 1 2 विकेट तो जाहिर सी बात है, 2 4 विकेट तो जरूर जाएगा, जाएगा तो वो विकेट ही GL मिनी GL SL जो भी हो हार और जीत का कारण बनेगा। मेरे भाई बहरान वुमेन नेपाल के सामने काफी सस्ते में निपट गया, तो ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब देखेंगे जलवा, पहले गेंदबाजी यहां पर किया बहरान की टीम, पी सेट्टी बढ़िया ऑप्शन है, सदा माली की बात किया 2 विकेट ले, ये भी बढ़िया ऑप्शन है, थरंगे की बात की ये भी बढ़िया ऑप्शन है, यानी इनके लगभग गेंदबाज बढ़िया है। सबसे बढ़िया दीपिका, जो कि बल्ले से भी कुछ हद तक योगदान देगा, मुझे बल्लेबाजी के असरा रखना ही नहीं है। अब चलिए कुछ नहीं देखना, सीधे क्या करना है, कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। बस एक नाम इनका सबसे ऊपर रहेगा, वो है दीपिका, जो कि खेलती भी काफी सुपर है, तो ऊपर तो रहेगा जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन तो देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो ना, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से, नेटवर्क काफ़ी स्लो है मेरे भाई। तो मेरे भाई अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, मलेशिया वुमेन स्ट्रॉन्ग है, तो मलेशिया के ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे। आंख बंद करके 1 2 3 प्लेयर को पिक करना है, आंख खोल करके ये तीन को पिक करना है, 3 3 6, सातवां यहां से आएगा वान जूलिया, आठवां यहां से आएगा मास इल्सा,
अब जो इनके तरफ से जो है यहाँ पर पिक कर रहा है, देखो आर हिरात की बात क्या, ठीक ठाक ये प्लेयर है। तो मेरे भाई पहले दीपिका को हम लोग यहां से पिक करें, किधर गए मेरे भाई दीपिका। तो मेरे भाई दीपिका जो रोशनिका हिरात का ही नाम है दीपिका, ये यहां से बेस्ट प्लेयर पिक हो जाएगा। दूसरा पी सेट्ठी को हम लोग यहां से पिक करेंगे। अब तीसरा कौन होगा, तीसरा मेरे भाई भाई यहां से आएगा सदा माली, ये टीम हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना है, अगर यदि मलेशिया पहले गेंदबाजी करेगा मलेशिया वुमेन्स, तो ये इनको मैं ड्रॉप करूंगा। मलेशिया वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगा इनको ड्रॉप करूंगा और एक प्लेयर एक्स्ट्रा इनका पिक करूंगा। जैसे कि मलेशिया वुमेन्स पहले गेंदबाजी कर रहा है तो यहाँ से मास इल्सा को सीधे करूंगा ड्रॉप, और यहाँ से इनका एक्स्ट्रा गेंदबाज टी गजन न्यांके को पिक कर लूंगा। अगर यदि यहाँ पर देखा जाए, अगर यदि मलेशिया वोमेंस पहले बल्लेबाजी करेगा तो यहाँ पर डेनियल सेहाडा को ड्रॉप करके यहाँ से ले लूँगा मास इल्सा को, या फिर इन्हीं को ड्रॉप करके सारे को पिक कर लूँगा। तो मेरे भाई ये टीम बन जाता है कुल मिलाकर देखा जाए तो। कैप्टन वीसी का बड़ा चॉइस कौन होना चाहिए, तीन सबसे बढ़िया है, एक दो डब्लू दूरा सिंह के तीन, तो बढ़िया कैप्टन से हमें लगता है ये हमीजा ही होना चाहिए। अब वीसी का एम इस्माइल, देखो पहले बल्लेबाजी मलेशिया वोमेंस करेगा तो वीसी इनको देंगे क्योंकि बल्लेबाजी अच्छा करती है, और पहले गेंदबाजी करेगा तो एम इस्माइल को देंगे। हो सकता है सामने की टीम कमजोर है, इनके कैप्टन साहब डब्लू दूरा सिंह के कहे कि आप ही लोग गेंदबाजी कर लो तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव कर लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोग जमकर प्रॉफिट कमाएं।